स्टूडेंट्स एंड कंपटीटर्स, फिजिक्स एचआरडी की यारी है यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम इस वीडियो के अंदर 12th क्लास का जो चैप्टर नंबर 3 है उसके जो एग्जांपल है न्यूमेरिकल है वो हम करने वाले हैं। साथियों, न्यूमेरिकल करने के लिए कभी भी आपके अंदर से फीलिंग नहीं आने वाली कि हम न्यूमेरिकल हल कर लें। जो अच्छा कार्य होता है, जो थोड़ा टफ कार्य होता है, उसको करने के लिए मन बनाना पड़ता है और चुनाव करना पड़ता है कि हाँ, हमें न्यूमेरिकल हल करने हैं। न्यूमेरिकल हल करने की फीलिंग आपको कभी नहीं आने वाली है, इसलिए मन बना लीजिए कि न्यूमेरिकल हमें हल करने ही वाले हैं। ये वीडियो 12th क्लास के विद्यार्थियों के साथ साथ में जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले मेरे साथी कंपटीटर है उनके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के अंदर भी जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो विद्युत विभव से संबंधित ज्यादातर क्वेश्चन उसी से, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से और EMT में से जो रिलेशन है वही चलता रहता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से जो 3 क्वेश्चन आते हैं वो विद्युत विभव से ज्यादातर, तो वे साथी भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो मन बना लीजिए, सब बढ़िया है उम्मीद करता हूं। तो ठीक है, तो हम पढ़ते हैं जो हमारा एग्जाम्पल नंबर है। जो हमारा पहला एग्जाम्पल है, तीसरे पार्ट का 3.1 का मतलब होता है कि तीसरे पार्ट का पहला एग्जाम्पल। एक स्थान पर विद्युत विभव माइनस का 15 वोल्ट है। एक स्थान है हमारे पास में, यह मान लेते हैं ए बिंदु है, तथा किसी दूसरे स्थान पर विद्युत विभव वी वोल्ट है। दूसरा बिंदु हमारे पास में बी है, जिस पर यहां माइनस का 15 वोल्ट है और यहां पर विद्युत विभव वी है। यदि 6 कूलम्ब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक, यहां से यहां तक क्यू बराबर 6 कूलम्ब आवेश को, कूलम्ब आवेश को पहले स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में किया गया कार्य डब्ल्यू बराबर क्या दे रखा है, डब्ल्यू बराबर 150 जूल, तो वी का मान ज्ञात कीजिए। तो विद्युत विभव विभवांतर की परिभाषा हम कहते हैं कि एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होता है इकाई आवेश को, वो दोनों बिंदु के मध्य विभवांतर के तुल्य होता है। फाइनल माइनस इनिशियल लेना है, ए से बी तक गए हैं तो पहले आपको फाइनल वी बी लेना है और उसके बाद में वी ए, यानी ए से बी तक जाते हैं तो वी बी माइनस वी ए ही लेना आपको। तो वो होता है किया गया कार्य और बटा आवेश कौन सा लेके जा रहे हैं। तो यहां से वी बी हमारे पास में वी है देर का है माइनस का, वी ए माइनस का चिन्ह सही रखना है माइनस का 15 है, और डब्ल्यू कितना कार्य हमें करना पड़ा, हमें 150 जूल कार्य करना पड़ा, और यहाँ पर कितना कूलम्ब आवेश है, 6 कूलम्ब आवेश है, ये प्लस का 15 और ये हमारे पास में कितना हो जाएगा, यदि हम बात करें तो 25 × 150 होता है ना, तो वी बराबर क्या हो जाएगा, 25 − 15 कर लेंगे और वी बराबर कितना आ जाएगा, 10 वोल्ट आंसर आ जाएगा। यानी इनके बीच में 10 वी का मान 10 वोल्ट है, यानी माइनस 15 यहाँ प्लस 10 है, इनके बीच में यदि 6 कूलम्ब आवेश यदि हम ले जाते हैं तो हमें कितना जूल कार्य करना पड़ता है, हमें 150 जूल कार्य करना पड़ता है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा। उसके बाद में एग्जाम्पल नंबर 3.2 हम देख लेते हैं, सीधा मैं बोल के बता देता हूँ, छोटा सा एग्जाम्पल है। वो क्या कह रहा है 3.2 एग्जाम्पल हमारा, ये कह रहा है कि बिंदु ए से बी तक एक बिंदु हमारे पास में ए है और दूसरा बिंदु बी है, और क्यू बराबर 20 कूलम्ब आवेश को ए से बी तक, इनके बीच की डिस्टेंस डी बराबर 0.2 मीटर भी दे रखी है जिसका कोई योगदान नहीं है, 0.2 मीटर, डब्ल्यू बराबर 2 जूल कार्य करना पड़ता है, यहां से यहां तक ले जाने में मुझे 2 जूल कार्य करना पड़ता है, तो इनके बीच में विभवांतर बता दो, यानी वी बी माइनस वी ए आपको ज्ञात करना है। तो क्वेश्चन बहुत ही जी, ए से बी तक ले जाने में 20 कूलम्ब आवेश को ले जाने में 2 जूल कार्य करना पड़ता है, तो डब्ल्यू बटा क्यू, तो वी बी माइनस वी ए विभवांतर ही हमें ज्ञात करना है, तो 2 जूल और क्यू 20 कूलम्ब, या हमारे पास में कितना आ जाएगा, 1/10 0.1 वोल्ट हो जाएगा, यानी इनके बीच में जो विभवांतर है वो कितना है, 0.1 वोल्ट है। ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तीसरा क्वेश्चन हमारे पास में क्या कह रहा है कि जो एग्जांपल नंबर 3 है कि बिंदु आवेश हमारे पास में क्यू बराबर, ये क्यू बराबर 1.1 × 10⁻⁹ कूलम्ब से डिस्टेंस दे रखी है
10 सेंटीमीटर, r बराबर 10 सेंटीमीटर पर विद्युत विभव का मान ज्ञात क्या होगा, यानी बिंदु आवेश के कारण आपको क्या ज्ञात करना है, विद्युत विभव ज्ञात है करना है। तो ऐसा क्वेश्चन एक नंबर का आने की बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं। तो V बराबर हम जानते हैं बिंदु आवेश के कारण क्या होता है, के क्यू बटा आर, सूत्र याद होना चाहिए। K का मान हम जानते हैं 9 × 10⁻⁹ हो गया और Q की वैल्यू हमारे पास में कितने देर की है, 1.1 × 10⁻⁹ और बटा में R की वैल्यू 10 सेंटीमीटर यानी 10⁻⁑ मीटर, तो 10⁻⁻¹ हो जाएगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये हो जाएगा आपके पास में 9.9 × 10, ऊपर चला जाएगा 99 वोल्ट हो जाएगा, यानी बिंदु आवेश के कारण हमारे पास में यहाँ विभवांतर कितना हो जाएगा। देखिए आप क्वेश्चन नंबर है 4, देखिए कि दो आवेश 4 × 10⁻⁹ कूलम और माइनस इस प्रकार से दे रखा है। इसका हल देखिए कि दो आवेश है, एक आवेश को हम Q1 मान लेते हैं 4 × 10⁻⁹ का और दूसरा आवेश Q2 दे रखा है माइनस का 3 × 10⁻⁹ की। मध्य की दूरी 0.1 मीटर दे रखी है, दोनों आवेशों के मध्य की दूरी 0.1 मीटर दे रखी है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विद्युत विभव शून्य होगा, देखिए ध्यान से, यह पॉजिटिव है यह नेगेटिव है। पॉजिटिव के इस साइड में जाएंगे KQ/R पॉजिटिव रहेगा, अनंत पर जाके कोई जीरो रहेगा, अनंत तो हमें आंसर निकालना नहीं है। इस Q1 के बाई ओर तो कहीं पर जीरो नहीं होगा, Q2 पर हो सकता है क्योंकि ये पॉजिटिव के है ये नेगेटिव है, रिजल्टेंट जीरो हो सकता है। तो Q1 से Q2 की ओर यानी धनात्मक से ऋणात्मक आवेश की ओर किसी बिंदु पर विद्युत विभव जीरो हो सकता है। मान लेते हैं बिंदु P है, यहाँ पर विद्युत विभव जीरो हो सकता है, वो यहाँ पर भी हो सकता है और इनके बीच भी हो सकता है, इससे आगे भी हो सकता है। तो इसकी दूसरी कंडीशन हम ये मान लेते हैं, दूसरी कंडीशन ये है, यही Q1 है यही Q2 है, लेकिन अब की बार बिंदु एक अन्य बिंदु P' मान लेते हैं, ठीक है। पहली कंडीशन आप समझिए, यहाँ कह रहा है कि V1 प्लस V2 का योग क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं आपको, यानी Q1 के कारण और Q2 के कारण जो पोटेंशियल है वो जीरो होना चाहिए। V1 होगा हमारे पास में KQ1 बटा बीच की डिस्टेंस, यदि हम बात करें तो बिंदु P तक की डिस्टेंस, यदि बिंदु P ले तो यदि मैं ये डिस्टेंस x ले लेता हूं, चलो ये मैंने x ले ली, तो KQ1 यहां पर बीच की डिस्टेंस KQ1 बटा KQ/R ही होता है, तो x, और ये ले ली मैंने KQ2 बटा बीच की डिस्टेंस रहेगी इधर 0.1 पूरी है उसमें से x बराबर 0, तो Q1 कितना है हमारे पास में 4 × 10⁻⁹ है और बीच की डिस्टेंस x, और Q2 देखो नेगेटिव है तो विभव वाले क्वेश्चन में हमेशा चिन्ह सहित रखना चाहिए, माइनस का k और माइनस का 3 × 10⁻⁹ और बटा में 0.1 माइनस का x बराबर 0। पक्षांतरण कर लो, पक्षांतरण करोगे तो यहाँ पर यदि ये पॉजिटिव है Q2 नेगेटिव है, इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, यानी 4 × 10⁻⁹ के कॉमन आके कट जाएगा, x बचेगा, इस साइड बचेगा आपका 3 × 10⁻⁹ और 0.1 में से x बचेगा, ये घातें भी कैंसिल हो जाएगी। तिरछा गुणा कर लो, तिरछा गुणा करोगे 0.4 माइनस का 4x बराबर क्या बचने वाला है आपके पास में 3x बचने वाला है, ये हो जाएगा आपके पास में 7x बराबर 0.4, तो x बराबर आ जाएगा 0.4/7, यानी ये हो जाएगा आपके पास में 0.057 मीटर डिस्टेंस, यानी 0.057 मीटर डिस्टेंस पर, यानी धनात्मक आवेश से ऋणात्मक की ओर इतनी डिस्टेंस पर क्या हो जाएगा, पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। यही कंडीशन इस साइड में लगाए हम, यानी ये डिस्टेंस यहां से 0.1 है मीटर है, इस डिस्टेंस को मैं x डैश ले लेता हूं, ठीक है। तो V1 प्लस यानी Q1 के कारण और Q2 का योग जीरो होना चाहिए, तो वही बात करेंगे हम, KQ1 बटा बीच की डिस्टेंस 0.1 और यहां से यहां तक जाएंगे तो x डैश हो जाएगी, और प्लस V2 की यदि हम बात करें तो V2 की हमारे पास में क्या हो जाएगा, V2 KQ2 बटा बीच की डिस्टेंस x डैश बराबर 0,
तो के क्यू वन क्या है, वही 3 × 4 × 10⁻⁻ का 9 और बटा 0.1 प्लस का एक्स डैश, और प्लस के क्यू टू नेगेटिव है तो वही माइनस का 3 × 10⁻⁹ और बटा बीच की डिस्टेंस कितनी है हमारे पास में, ये है एक्स डैश की जो वैल्यू है वो एक्स डैश है, पक्षांतरण कर दो तो क्या बचने वाला है, पक्षांतरण करोगे तो के कॉमन आ 4 × 0.1 प्लस एक्स डैश बराबर ये बचेगा हमारे पास में 3 × x, तिरछा गुणा कर दो आप तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4x बराबर 0.3, तिरछा गुणा करेंगे तो 0.3 प्लस का 3x हो जाएगा, इधर ले आओ ये हो जाएगा हमारे पास में 1x बराबर 0.3 मीटर, यानी आगे यदि हम चले कितनी डिस्टेंस पर, धनात्मक आवेश से 0.3 मीटर डिस्टेंस पर चले, इससे मिलता जुलता ही एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए। एग्जाम्पल नंबर 5 बहुत ही इजी है, ये कह रहा है कि हमारे पास में एक आवेश प्लस क्यू है और यहाँ से ए डिस्टेंस दूरी है, एक बिंदु ए है, यहाँ से ये डिस्टेंस यहाँ तक ए है, यहाँ तक की आगे की डिस्टेंस आर, बीच की डिस्टेंस ये बिंदु बी है, और यहां पर फिर बिंदु हमारे पास में ए डिस्टेंस पर आवेश है माइनस का क्यू, ये कंडीशन दे रखी है कि प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच में एक बिंदु ए है, एक बिंदु बी है, ये ए डिस्टेंस, ये आर, ये स्मॉल है, ठीक है दोनों। तो हमें ज्ञात करना है कि यहां वी ए माइनस वी बी कितना होगा, क्या ज्ञात करना है, वी ए माइनस वी बी कितना होगा, बहुत ही इजी है। पहले तो वी ए निकाल लो, तो VA पर कुल विभव प्लस Q के कारण, तो VA बराबर हम लिखेंगे प्लस Q के कारण विभव प्लस माइनस Q के कारण विभव, बस VA निकाल दो तो KQ बटा प्लस Q के कारण A कितना है, KQ बटा A, और माइनस Q के कारण तो माइनस का KQ, माइनस Q डिस्टेंस कितनी है ध्यान से देखिएगा, ए तक की आर प्लस ए, ए ये आर प्लस ए, आर प्लस ए हो गए, ठीक है। इसी प्रकार वी भी निकाल लेंगे, इसी प्रकार वी भी निकाल लो, प्लस क्यू के कारण और माइनस क्यू के कारण, तो के क्यू बटा वी भी की बात करें तो प्लस क्यू के कारण बी कितना दूर है, ए प्लस आर दूरी पर, ए प्लस आर दूरी पर, माइनस का चेंज, माइनस क्यू के कारण माइनस का के क्यू बटा माइनस क्यू बी से कितना डिस्टेंस दूर पर है, ए पर। तो समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, तो हमें ज्ञात करना वी ए माइनस वी बी, तो वी ए माइनस वी बी ज्ञात करना है, तो बस के क्यू बटा ए माइनस का के क्यू बटा आर प्लस ए, जब घटाएंगे तो माइनस का के क्यू बटा ए प्लस आर, और ये प्लस का के क्यू बटा ए हो जाएगा, ये देखो डबल हो रहा है, तो 2KQ तो कॉमन आ गया, 2KQ कॉमन आ रहा है, 1/a माइनस का 1/r प्लस a, तो ये लघुतम आ जाएगा, 2KQ लघुतम आ गया क्या, a इंटू आर प्लस a, ठीक है, तो r प्लस a माइनस का a, तो ये कैंसल हो जाएगा, क्या बचने वाला है, तो हमारे पास में 2KQ और ऊपर बचने वाला है केवल r और बट्टा में a, ए प्लस है आर, ठीक है। तो अब यदि हम बात करें के 1/4πε0 और 2qr बटा कोष्ठक a इंटू ए प्लस आर, ये इसका क्या आ जाएगा।